टीम्स आना शुरू हो चुकी है, सबकी सब टीम को जनाब दिल्ली तौर के ऊपर वार्म वेलकम कहता हूँ जी। और इसी के साथ साथ जनाब ये एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा, माहौल बहुत अच्छा, यहाँ पे शाही की क्रिकेट बहुत अच्छे, खुशियां बांटने के लिए यहाँ पर मौजूद जनाब महाबतों का पैगाम लिए आज यहाँ पर कुलिया हमीद प्रीमियर लीग साल 2019 में जनाब बिल्कुल यहाँ पे शाही की क्रिकेट बढ़िया पे पूरा हफ्ता बॉल बढ़िया थी, बड़ी उम्दा जनाब प्रोफेशनलिज्म तरीके से बॉल गिराते हुए यहाँ पे भाई को सामने कर यार खूबसूरत शॉट 6 रन के लिए जी। और ये बिल्कुल बहुत ही फलश वापस शॉट खेला है और क्या हो गया जनाब 6 जनाब यहाँ पे 20 रन हो चुके हैं तीसरे ओवर का गेम जनाब रामदेव का मुकाबला हो ये जो टीम खेल रही है उसका और इस दफा लीव किया है वाइट बॉल का डिसीजन आएगा पारी की तरफ से जी। हाँ जी अतीक भाई आए हैं उनके साथ साथ जनाब आमिर टोनी आपको जनाब दिल के तगड़े से शब्द कहता हूँ जी अतीक एंड आमिर टोनी भाई दिल के तगड़े से पूरी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से जनाब आपको शब्द कहता हूँ जी बिल्कुल ये सजी शाम रहेगी किस टीम के नाम वो तो वक्त फैसला करेगा लेकिन यहाँ पे नट काबले बिल्कुल टाइट है जनाब दोनों टीमें लास्ट जो भी हारेगी खतरा बन सकता है उस टीम के लिए। गुड लक एक और ये बढ़िया फील्ड यहाँ पे डाइव किया है चौधरी वसीम सिंह राल ने बड़ी उमदा फील्ड और ये क्रिकेट ड्रामा चल रहा है मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ से बॉल आता है वहां चला जाता है आप देखे कहाँ पे जाता है शुक्र है जनाब अब व्हाट इज दिस बच्चे रहेंगे जरूर बच्चे रहेंगे जी अंपायर का यहाँ पे डिसीजन देखना जरूरी कितने हैं कर लिए बता दीजिएगा चौधरी मालिक एंड जो भी है कन्वर्ट से चेक कर लीजिए बंदा ने उभराना नवा जल्दी से काम भी वही है जो भी अंपायर है जल्दी से सीएन है दोनों आपस में डिस्कशन कर ले जो भी फैसला है आगाह कर दे जनाब रन कितने बने इस बॉल पे वो बता दे ओए बारी ये बंदा क्रीज से बाहर ही नहीं है देखते हैं जी यहाँ रन आउट नहीं भाई सरोबा नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं सरोबा नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है मलिक की टीम नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई अपने से बड़ी उमदा फील्ड लेकिन यहाँ पे चलता है छोटी मोटी चिट चैट टिक टॉक लगी रहती है चौका हो जाता है यहाँ पे भी फील्ड इसरार लेकिन यहाँ पर इसरार तो गई गोली है जरूर अवर हो गया जी यहाँ पहली बार गिनी हो गई मुकम्मल निशाने पे 6 रन का मजीद इजाफा रन हुए चले 42 रन का 43 रन का टारगेट है 43 रन का टारगेट मिला है जी यहाँ मलिक शानी राणा मोहसिन लोगों को 43 रन का टारगेट मिला है जी राणा मोहसिन भाई ये मैच हो रहा है एचसीसी हूं बा मुकाबला जुनून खराब फोर्टी फोर रन का टारगेट मिला जी नहीं भाई 15 बालों पर 43 रन इन्होंने बनाया 44 रन का टारगेट दिया है जी तनवीर भाई
ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਬਾਲ ਵੜਨੀ ਨਾ ਇਸਨੇ ਲੱਗਣਾ ਛੱਕਾ ਹੋ ਜਣਾ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਬਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ ਠੀਕ ਆ ਗੋਲੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਬਾਲ ਦੇ ਡੰਗ ਨਹੀਂ चौवालीस रन का टारगेट है जी, 15 बॉलों पर 44 रन का टारगेट है, उसका स्टाल लगा दिया गया है, लीज चिप्स उसके बाद चाय जनाब, और यहाँ पे जनाब बिल्कुल स्टाल से जा दिए गए हैं, जिलेबी भी उसका कॉर्नर से मिल सकती है, तो आप जनाब बिल्कुल अगर जेब भी जानते हो तो आप रिसीव कर सकते हैं, रिफ्रेशमेंट की पूरी शोल है जनाब कोलिया हमीद में, आपको पूरी यकीनी रिफ्रेशमेंट की शोरत मौजूद है जनाब, मलिक रिजवान साहब यहाँ पर मौजूद है जी, और आप जनाब रिसीव कर सकते हैं। हाँ जी जुनेद जोनी साहब आए हैं यहाँ पे, प्यार का पैगाम लिए, मोहब्बत का पैगाम लिए, आपको शादी करता हूँ जी, जी आने के समय 15 बॉल पर 44 रन का टारगेट है जी, मलिक शानी और राणा मोहसिन लोगों, यार बात थोड़ी जल्दी कीजिएगा प्लीज, टाइम कम है यार, यहाँ पे टाइम कम है, थोड़ी जल्दी कीजिएगा प्लीज, थोड़ी जल्दी कीजिएगा। आगे जी फखरे सादकाबाद राणा मोहसिन और उनका साथ दे रहे हैं मलिक शानी, इसे भिजवा दीजिएगा साथ, ओके बैटिंग आ चुका है जनाब राणा मोहसिन, उनका साथ देंगे जनाब मलिक शानी, मलिक शानी, मलिक शानी बड़े उम्दा बल्लेबाज हैं, प्रोफेशनलिज्म भी है, और है जरूर आपको बड़ी पारी खेलनी होगी, कप्तानी पारी जरूर खेलनी होगी अगर मैच जीतना चाहते हैं, 44 रन का टारगेट है और 12 ओवर अगर एवरेज देखी जाए आपकी तो 15 बॉलों पर 44 रन का टारगेट है जी, 15 बॉलों पर 44 रन का टारगेट है, मलिक शानी राणा मोहसिन दोनों आ गए हैं जी, 3 ओवर होंगे, 5 ओवर की जरा 5 बॉल होगी भाई, इसके बाद मैच है तहरीर इस्लामाबाद का मुकाबला उमरी पेशार, कमाल खान कमालू बा मुकाबला बादशाह खान, नेक्स्ट मैच रमदेव बा मुकाबला मोड़ा, ओवर करवाने के लिए रेडी है जी तौसीफ गोली, बैट्समैन है जी मलिक शानी, तौसीफ गोली 44 रन इन्हें सेव करने पड़ेंगे, अगर इस टूर्नामेंट में इन रहना है तो अगर ये मैच लूज कर जाते हैं तो फिर इस टूर्नामेंट से आउट हो जाएंगे, यहाँ पे धोनी साफ शिकन धोनी तगड़ी टीम में आए जी दौड़ना शुरू, पहला बॉल करेंगे, पहला बॉल बहुत उम्दा बॉल, लेग पाई का डिसीजन आएगा पार की तरफ से, बहुत ही बढ़िया जी, तो सी गोली है बॉलर बैटिंग पर मौजूद है मलिक शानी, तो आए जी अब तो सी गोली दौड़ना शुरू किया, पहला छक्का मलिक शानी के बल्ले से आता हुआ जी, मलिक शानी के बल्ले से आता हुआ पहला छक्का, पहले ही हुई बॉल डॉट दूसरी बार लगाया जी, खूबसूरत छक्का मलिक शानी, देखिए आप कहां पे रुकेगी सिग्नल की टीम, या फिर अपने हदफ पे या फिर टारगेट से दूर, लेट्स सी जी, बहुत अच्छा आगाज, पहला छक्का मलिक शानी के बल्ले से आता हुआ, दो बाले 6 रन बाकी बाले 13 रन है 38, देखते हैं मलिक शानी क्या करते हैं, उनका साथ दे रहे हैं राणा मोहसिन, अभी तक कन्फर्म नहीं है, शहजादा काफी पीछे बॉल किया था जरूर, और ये आएगा जनाब टॉट बॉल, भाई अच्छी बार लोगों का 2-3 मैचों के बाद मैच होगा जी, अच्छी बार का मैच 2-3 मैचों के बाद होगा, भाई मोड़ा ने आज एक मैच खेला एक विन कर लिया जी, मलिक शानी हो गए जी, ओ मलिक शानी हो गए, ओ बहुत बड़ा नुकसान जी मलिक शानी की सूरत,
پہلا نقصان ہوا جی جام ملک جانی ہو گئے او ملک جانی ہو گئے او آج شکیل شاہ میرے خیال سے آئے ہیں کشمیر سے کچھ پیغام لیے شکیل شاہ جی دور سے نظر آ رہے ہیں گڈ میری کریکشن اچھی تھی جناب نظر اچھی تھی شکیل شاہ جی آپ کو سنت کہتا ہوں جی آنے بسم اللہ جناب بالکل کشمیر کا سیلاب جناب یہاں پہ محبتیں باندھنے کے لیے آئے ہیں جناب کو دل کے بہت بڑا نقصان جی بڑے عمدہ بلے باز ہیں جناب پروفیشنل بلے باز ہیں اور بالکل یہ چلتے ہوئے ٹاکرے یار بال جلدی سے کیا مسئلہ ابھی ایک اوور کے چار والے ہوں گے ٹائم کم ہے یار کیونکہ آج لمبا توسیف کوہلی اچھی بالنگ کرتے ایک چھکا کھانے کے بعد کافی اچھا کم بیک رنز ہو گیا ہے چھ بالیں ہو گئی ہیں توسیف کوہلی کھیلا شاٹ چار رنز آئیں گے یار بال پکڑا دیں گے نامو شاہ جی موٹا بندہ اوور ہو گیا نامو شاہ جی بول رہے ہیں کیوں ایک اوور میں آئے رن دس باقی بالیں ہیں جی سوریا ڈھون بالکل یہاں پر موجود بالر ہے بریکر بلال بریکر ہے بلال ناس ہاں جی بلال کلیاں عرفان کلیاں